नेता तेजस्वी जी ने जो बात कही थी उसको वो पूरी तरह से अमल करेंगे और उन्होंने वादा किया है, किसी को घबराने की जरूरत, थोड़ा वक्त दीजिए। तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उनको नौजवानों की परेशानी का पता है, सारी परेशानियों को दूर किया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जुमला पार्टी। आज सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, है किसी गोदी मीडिया में हिम्मत, किसी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार में हिम्मत है जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे? एमएलसी सौ बिहार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जितना भी ईडी सीबीआई और आईटी अपने तीनों जमाई का दुरुपयोग कर ले, लेकिन बिहार के शेर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू परिवार और समाजवादी कभी डरने वाले नहीं है। उन्हें कोई माई का लाल नहीं डरा सकता है। उपमुख्यमंत्री अपनी बातों से मुकरने वाले नहीं है। उन्होंने जो वादा किया है वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उस पर वे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उसे जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने युवाओं को धैर्य रखने के लिए कहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, सबको रोजी रोजगार और नौकरी जरूर मिलेंगी। वे बुधवार को टाउन हॉल में अपने अभिनंदन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से बिहार का विकास का रथ रुका हुआ था, अब इस महागठबंधन की सरकार में बिहार विकास के पथ पर दौड़ेगा। सभी युवा, गरीब, महिला को सम्मान एवं रोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले उनके आगमन पर महानगर युवा राजद दरभंगा के अध्यक्ष राकेश नायक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद अफजल अली खान, जिला युवा राजद के उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव, राजद महानगर प्रधान महासचिव सचिन राम, युवा राजद प्रदेश महासचिव गोविंद यादव के नेतृत्व में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे, निर्मला सीतारमन ने आके कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, 20 में कहा था 19 लोगों को रोजगार दे सके, है किसी में हिम्मत? सवाल पूछना कहीं और है, सवाल पूछना कहीं और। मैंने पत्रकार पर चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा गोदी मीडिया, मैंने कहा गोदी मीडिया, मैंने कहा गोदी मीडिया, मैंने कहा गोदी मीडिया में हिम्मत है कि प्रधानमंत्री से ये सवाल कर सके? सवाल 2 करोड़ नौकरी सालाना वादा किया था, 15-15 लाख खाते में जाएगा, 19 लाख रोजगार होगा, क्या उसका कोई सवाल करने की हिम्मत है? मैंने पत्रकार नहीं, पत्रकार सुन लीजिए, क्या देश का चौथा स्तंभ है, सवाल कर दीजिए। सरकार इस देश को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन चंद गोदी मीडिया जो भाजपा के आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से हमारा सवाल है, क्या वो भाजपा गोदी मीडिया के लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने गुड़गांव में तेजस्वी यादव का मॉल कह करके पूरा प्रचारित किया? क्या वो मीडिया माफी मांगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगेंगे? क्या वैसे तमाम लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, झूठ का प्रचार किया? इसलिए बिहार की जनता एक एक चीज देख रही है, तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन है, बिहार ही नहीं देश के युवा तेजस्वी जी की तरफ देख रहे हैं। आज देश की जो हालात है, जब जब देश पे संकट आता है, देश का लोग लालू यादव की तरफ देखता है। मैं बता देना चाहता हूँ आखिर क्यों, जब हमारी सरकार आई है भाजपा बेचैन है, पागल हो गई है, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लीडरों से क्या कहेंगे, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लीडरों को तो डरा देती है, लेकिन एक नेता लालू यादव तेजस्वी यादव है और एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। मैं अमित शाह को चैलेंज करना चाहता हूँ कि है हिम्मत तो अपने बेटा की आज सीबीआई भेजो, रातों रात करोड़पति हो गया, सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक हो गया, है हिम्मत मोहिल चौक से की यहाँ जाकर के छापा मारो, है हिम्मत नीरव मोदी की यहाँ छापा मारो, है हिम्मत अडानी की यहाँ छापा मारो, है हिम्मत तमाम वो भाजपा के नेताओं की यहाँ छापा मारो, रातों रात पूरे देश के तमाम जिलों में भाजपा के 5 स्टार होटल